जो भेजी जा रही है, हम लोग पेड़ों पे छिड़काव गत 9 महीनों से करते आ रहे हैं, खेत का चुनाव करते हैं, उसमें जो भी दवा दारू खाद ये सब का पूरा प्रयोग किया जाता है, फिर टूटने के पहले उसकी गुणवत्ता को का निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण करने के बाद जो योग्य लीची होती है वही इस काम में चुनी जाती है। उसके बाद का क्या प्रोसेस होता है? क्योंकि टूट के आती है बगान से, वहाँ से छांट के टूट के आती है, फिर हमारे यहाँ उसकी ग्रेडिंग, शॉर्टिंग, पैकिंग होती है, निपुण लोग जो दिल्ली से और पूना से आते हैं उनके द्वारा, फिर उसके बाद पैकिंग होने के बाद उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग होने के बाद वो भेजी जाती है। इस बार जो भेजी जा रही है वो कैसे भेजी जाएगी? ये रेफ्रिजरेटेड वैन के द्वारा दिल्ली बिहार भवन को भेजी जा रही है। ये आप लोग अपने तरीके से भेजते हैं या फिर एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन के आदेश पे इस बार भी मुझे आदेश मिला है, हर साल के भांति इस बार भी मुझे 2500 केजी लीची भेजने का आदेश हुआ है, जिसे मैं रेफ्रिजरेटेड वैन से बिहार भवन पहुँचाऊँगा। ये पिछले 2 साल कोरोना रहे हैं तो क्या पिछले साल भी कोरोना के क्रम में भी हमारे प्रशासन ने बड़ी मेहनत करके, थोड़ा ही हुआ मगर जो भी हुआ बिना प्रोसेस के ही लीची भेजी, मगर अच्छा पहुंचा और प्रशासन का सहयोग, ये मतलब हमेशा सोचती है प्रशासन की भेजा जाए। कितने वर्ष हो गए ये जो लीची भेजी जाती है? करीब करीब 8 से 10 साल हो गया है। मुजफ्फरपुर की शाही लीची मुजफ्फरपुर स्टेशन से लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई भेजने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। व्यापारियों एवं किसानों के मांग के अनुरूप 11,062 पवन एक्सप्रेस में एक VPU पार्सल यान जिसकी क्षमता 24 टन है 20 मई से 20 जून तक के लिए लगाई जा रही है। साथ ही पीछे के SLR में एक कंपार्टमेंट जो 3.9 टन का होता है उसको भी लीची लोडिंग के लिए मुजफ्फरपुर में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस वर्ष इंडेंट VPU की जगह रेलवे द्वारा अपने स्तर से पार्सल यान लगाई जा रही है। लीची की बुकिंग पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी, इससे बीच के बिचौलियों की भूमिका नहीं रहेगी एवं किसान रेल के मूल भाड़े पर बुकिंग करा सकेंगे। यदि बुकिंग हेतु मांग बढ़ी तो अन्य ट्रेनों में भी लीची भेजने की व्यवस्था की जाएगी। मंडल के द्वारा कार्य योजना का फीडबैक किसानों से लिया जा रहा है, किसान काफ़ी उत्साहित है।